हाय, दिस इज ज्ञानेश्वर एंड वेलकम बैक टू सूर्या अक्षर एकेडमी। मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो से आया हूँ। एंड यहाँ पे मेरे हाथ में आप देख सकते हो, दीज आर एक्सटेन एरोस, ईस्टर्न कंपनी के है, वर्ल्ड में नंबर वन एरोस है ये। एंड ये एरोस का बिल्डिंग कैसे करना है, मतलब कैसे बनाना है, ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एंड तक बताने वाला हूँ। आप एंड तक देखिए वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड जो भी ये एरोस लेना है या खरीदना है और इसके बारे में अभी डिटेल्स आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, और आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। एंड ये एरोस मुझे ऑर्डर किया था वन ऑफ द कस्टमर, एंड ही रिक्वेस्टेड फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने के लिए उनका रिक्वेस्ट था, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। एंड तो सबसे पहले मैं आपको एरोस का ओवरव्यू बताऊंगा, कैसे अपन को रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि स्पेयर्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, पिंस मिलते हैं, एंड उसके बाद में फ्लेचर्स अलग मिलते हैं और शाफ्ट अलग मिलता है, कैसे हम सबको जोड़ना है ये मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ। तो एक बार वो ओवरव्यू देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं शाफ्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्टर्न कंपनी का शाफ्ट है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सटेन एरो बोल के, एंड ये ब्रांडिंग होता है। कभी भी आपको शाफ्ट ऐसे ही बॉक्स में मिलता है, शाफ्ट शाफ्ट का बॉक्स होता है ऐसे, और बनाने के बाद ये बॉक्स में ये एरोस फिट नहीं होगा, ये आप याद रख लेना। और उसके बाद में पॉइंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 120 ग्रेन, 110 ग्रेन एंड 100 ग्रेन। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ तक ये 100 पॉइंट होता है, 110 होता है एंड ये 120 होता है। तो आपको देख सकते हो दीज आर पिन्स एंड ये होते हैं फ्लेचेस। ये मैक्स के हैं, बहुत बढ़िया फ्लेचेस है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। एंड हियर माय एरो सर, ये मैक्स एंड ये हाइट ब्रीड, मेरे पर्सनल एरोस को भी वही लगा के है। तो अभी मैं फ्लेक्स का भी प्रपोज करूँगा आपके लिए, अगर आप हो सके तो फ्लेक्स भी यूज़ कीजिए। एंड उसके बाद में हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डी कट एंड ये एरो कटिंग मशीन है। ये डेफिनेटली ज़रूरी है क्योंकि अपना एरो जो भी मिलता है ये 31 इंचेस का साइज़ होता है, तो अपना ड्रा लेंथ 31 इंचेस हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे होता है 28 इंचेस या 27 इंचेस का ड्रा लेंथ कटिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरा कस्टमर का डिमांड था 28 का ड्रा लेंथ, तो उनके लिए मैं ये कट करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर फ्लेचिंग जिग, आप फ्लेचेस लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ एरो ट्यूनिंग मशीन है, ये एरो स्ट्रेटनर भी बुलाते हैं इसे, अगर आपको चाहिए तो एरो स्ट्रेटनर खरीद सकते हो, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। तो टूल्स यहाँ पे तीन यूज़ आते हैं, एक है कटिंग मशीन एंड एरो स्ट्रेटनर, और उसके बाद में आपको फ्लेचिंग मशीन होता है एंड अदर्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम एरोस कट करेंगे, सॉरी शाफ्ट्स कट करेंगे, एंड शाफ्ट्स को मैं आपको करीब से बताता हूँ, आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना, सॉरी। एंड दीज आर ईस्टर्न एक्सटेन एंड सीरीज ए है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 650 साइज का शाफ्ट है। तो ये आपके ड्रॉलेंथ के हिसाब से एंड आपके पाउंडेज के हिसाब से मिलते हैं, आप आपके कंसल्ट कोच से पूछिए जो एरोस आपको चाहिए एंड जो आपका साइज होता है वो आप कंसल्ट कोच से मालूम कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं कटिंग, एंड मैं आपको एक एरो कट करके बताऊंगा और उसके बाद में पूरे एरोस टाइम लैप्स में कटिंग में चले जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट करना होता है 28 पर, सो 28 इंचेस ड्रॉ लेंथ के है, और उसके बाद में वी हैव टू कीप द शाफ्ट हियर। तो यहाँ पे आपको कटिंग में चले जाएगा, स्विच ऑन है एंड तो अभी ये कट हो चुका है। विद शाफ्ट, तो फाइनली हम शाफ्ट कट कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ यू हैव टू स्टिक, नॉक्स लगाना है, तो नॉक्स से पहले हम पिंस लगाना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिंस एंड कैंडल है, तो इस तरफ पूरे पिंस लगाना है। 12 पिंस का पैक होता है ऐसे, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ईस्टर्न कंपनी। तो ये कैसे लगाना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वी नीड ये कटिंग प्लेयर एंड वी नीड दिस हॉट मेल्ट है ये, और आपको और एक मिलता है लाइक कूल मेल्ट, और अतेस्यू भी मिलता है गम जैसे होता है, पर आई प्रीफर हॉट मेल्ट क्योंकि ईजिली लगता है और ईजिली निकाल भी सकते हैं, अब जब भी आपको चाहिए तो आप निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिन हम पैकेट से बाहर निकाल चुके हैं, और इसे हम हॉट मेल्ट में लगाना है
एंड हॉट मेल्ट को हीट करके पिन को अपन शाफ्ट के अंदर लगाना है। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ फास्टली। एंड बस हीट करना होता है, थोड़ा देर हीट करना पड़ता है। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। एंड हीट करने के बाद हॉट मेल्ट में हम लगा देंगे, और अगर आपको चाहिए तो हॉट मेल्ट भी आप हीट कर सकते हो। और उसके बाद में स्टिक कर लेते हैं। एंड मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए हॉट मेल्ट लग चुका है पिन पे। एंड वन मोर टाइम विल हीट इट, और शाफ्ट ले लेते हैं, हीट कर लेते हैं। करने के बाद शाफ्ट के अंदर हम लगा लेना है। सो आपको ये भी बता देता हूँ मैं, सो शाफ्ट के पीछे ऐसे लग जाएगा। एंड एक्सेस ग्लू को निकालना चाहिए, इट्स वेरी इजी। एंड कम्प्लीटली ये ऐसे दिखेगा। ओके, तो इसके ऊपर अपन पिन नॉक लगाने होते हैं। तो चलो अब सभी मैं बाकी के पूरे भी लगा लेता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे पिन्स हमने लगा लिए हैं, करीब 15 मिनट्स का टाइम कुछ ले चुका हूँ मैं इसे लगाने के लिए। एंड इस तरफ अपन पॉइंट्स लगाना है, एंड मैं आपको पॉइंट्स का पैक भी बताता हूँ। एंड यहाँ पे है पॉइंट्स, तो पूरे 120 ग्रेन्स के हैं। वी हैव टू फिक्स 100 ग्रेन का पॉइंट लगाना है शाफ्ट पे, तो इसे भी कट करना होता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। एंड तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो अपना नॉक्स लगाना कंप्लीट हो चुका है, एंड मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमको पॉइंट्स लगाना है, एंड इट्स वेरी इजी। पहले हम पैक को ओपन कर लेते हैं, कंप्लीट कट कर लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट्स ऐसे होते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये एक नोड इट्स लाइक 10 ग्रेन, तो अभी अपन दो भी कट करना है, क्योंकि अपन को ओनली 100 ग्रेन का पॉइंट होना है, मतलब इतना ही पॉइंट अपन को होना है, और ये एक्सेस अपन कट करना होता है। तो कट करने के लिए मैं कटिंग मशीन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इतना अगर मैं प्लेयर यूज़ करूँगा तो कभी बेंड होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो प्लेयर ना यूज़ करना, डोंट यूज़ द प्लेयर, यूज़ ओनली कटर। आप कटर यूज़ करके ही कट कीजिए। दिस कटर बहुत स्मूथली कट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव कटेड इट, देखिए। तो अभी इसे हमको लगाना होता है, जैसे भी मैं पूरे पॉइंट्स को कट कर लूँगा, और कट करने के बाद हम शुरू कर लेते हैं। अभी पूरे पॉइंट्स हमने कट कर लिए हैं ड्रा लेंथ के हिसाब से, और पाउंडेज के हिसाब से अपन कट करना चाहिए। तो ये था अपना पॉइंट्स, एंड ये था एक्सेस पॉइंट का टिप्स। तो चलो अभी स्टिकिंग का काम है, स्टिक कर लेते हैं, आई मीन पॉइंट्स को इंसर्ट करना होता है, अभी इंसर्ट कर लेते हैं। एंड फर्स्ट हम पॉइंट हीट करेंगे। पॉइंट हीट करने के बाद हॉट मेल्ट पे रब कर लेना चाहिए, तो हॉट मेल्ट मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद में हम शाफ्ट लेके इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो मैं आपको ये बता दूंगा, एंड इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, इसके लिए इतना टाइम नहीं लेगा। कम से कम 15 मिनट में आप पूरे 12 एरोस का पॉइंट्स लगा सकते हो। इसके बाद में हम ऐसे इसमें रब करना चाहिए, आप देख सकते हो एक मेल्ट हो रहा है यहाँ पे। सो मैं आपको क्लियरली करीब से भी बताऊँगा, आई ट्राई। सो इस पर आप देख सकते हो ग्लू लग चुका है, एंड फिर से अपन हीट कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में पॉइंट में ऐसे इंसर्ट करना, इसे हम टाइटली पकड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा टाइट पकड़ने के बाद ये इंसर्ट हो जाएगा। थोड़ा रोटेट करना चाहिए ऐसे, और उसके बाद में प्रेस करना है कम्प्लीटली एंड तक, और आपको बता देता हूँ ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। सो एक्सिस ग्लू होता है, इसे हम हाथ से निकाल सकते हैं ऐसे इजीली। नाउ यू कैन सी, इसे थोड़े दूर वैसे ही रख देते हैं, एंड सेम वैसे ही हम पूरे पॉइंट्स को, जितने भी अपने पास पॉइंट्स है, वी हैव टू फिक्स सेम लाइक दैट। और ये बहुत लंबा टाइम लेगा, मैं ये करके आपको बताता हूँ नेक्स्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे पॉइंट्स मैंने लगा लिया हूँ, एंड इसे अभी अपन एसीटोन से क्लीन करेंगे थोड़ा सा में,
ताकि ये एक्सेस ग्लू निकल जाए। और उसके बाद में आपको और एक सजेशन है, आप कैंडल पे करोगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा। आई सजेस्ट आप कोई सिलेंडर पे कर लीजिए, जैसे कि स्टोव पे अगर आप लगाओ तो बहुत फास्ट एंड 5 मिनट में आप पूरे पॉइंट्स लगा सकते हो, वो भी बहुत स्टैंडर्ड वे में। ठीक है, तो ये था अपना पॉइंट्स एंड वी हैव ऑल्सो फिक्स्ड नॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉक्स भी अपन फिक्स कर चुके हैं, ग्रीन नॉक्स, एंड ये दूर से बहुत अच्छे से दिखेंगे, लाइक शाइनी नॉक्स है तो शाइन हो जाएंगे, आपको कितना भी दूर से आप देखोगे तो नॉक दिखेगा आपको डेफिनेटली। एंड अभी नेक्स्ट टर्न है अपना फ्लेचेस लगाना, तो ये अपने फ्लेचेस, तो ये भी स्टिक कैसे करना मैं आपको यही वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो चलो वो भी शुरू कर लेते हैं। एंड अभी लास्ट फाइनल स्टेज है अपन, यहाँ पे आपको देख सकते हो ये पूरे फ्लेचेस है, फ्लेचेस लगाना होता है। सो सबसे पहले हम फ्लेचेस लगाने से पहले स्टोन लेना चाहिए, स्टोन लेके पूरा शाफ्ट को क्लीन करना है आउटर साइड, ताकि अच्छा सा फ्लेच चिपक सके यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चिपकाना है फ्लेचेस। तो उसके लिए वी नीड फाइबर क्लॉथ होना चाहिए, और अपने साथ स्टोन का जरूरी होती है। एंड जैसे भी स्टोन लेते हैं एंड वी हैव टू पोर इट ऑन फाइबर क्लॉथ, इसके कैप ओपन कर लेते हैं, सॉरी, एंड वी जस्ट फाइबर क्लॉथ पे ऐसे ओपन कर लेते हैं एंड वी क्लोज इट अगेन। मैं आपको एक शाफ्ट ऐसे क्लीन करके बताऊंगा एंड बस यहाँ पे लेकर रब करना चाहिए, ताकि ये शाफ्ट का एक्सिस यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर, तो ये क्लीन हो रहा है। एंड यहाँ से लेकर आप कंप्लीट यहाँ तक भी क्लीन कर सकते हो, अगर चाहिए तो आप पॉइंट के जगह पे भी क्लीन कीजिए, क्योंकि एक्सिस का ग्लू जो होता है वो भी निकल जाता है। सो वेरी इजी प्रोसेस है, अगर आप ऐसे क्लीन करोगे तो फ्लेचिंग के लिए ईजी हो जाएगा। और उसके बाद में हम बस फ्लेचिंग जिग लेना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, और उसके बाद में एक क्लैंप को निकाल लेंगे, डस्ट ना पोछे, एंड लेटर सेम वे वी हैव टू क्लीन द फ्लेच, राइट, थ्री फ्लेचेस मैं क्लीन कर लूंगा, वो भी स्टोन का जरिए से जो भी हुआ है, ताकि उस पर डस्ट ना हो। एंड जैसे भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मार्किंग होता है, मैं पहले से ही मार्क कर चुका हूँ, अगर आपको मार्किंग नहीं है तो आप पुराने एरो यूज करके वैसे ही लगा सकते हो। तो मैं मार्किंग यूज करके पहले चेक कर लेता हूँ कहाँ पे स्टिक हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी नीड इट 1.5 इंच या 1 इंच का, राइट, ऑलफिक्स, फेविकोल ऑलफिक्स दिख रहा होगा आपको, ओके। एंड फ्लेचिंग करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये पुराना शाफ्ट है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो कैसे एक्सटर्न एरो दिखता है आपको क्लियरली मैं बताऊँगा। तो चलो फ्लेचिंग करते हैं, यहाँ पे मैंने लगा चुका हूँ पुराना एरो, विल कीप इट हियर। चलो तो ये है अपना नया एरो एंड नया फ्लेच, तो नया फ्लेच इसमें लगा लेते हैं यहाँ पे, एंड ग्लू ले लेते हैं, तो इस पे ऐसे स्टिक करना चाहिए। तो ग्लू स्टिक करने के बाद थोड़ा सा हवा लगना चाहिए इसको, एंड लेटर वी हैव टू फिक्स इट ऑन द शाफ्ट, बस कुछ नहीं, हो गया। तो हर बार पॉइंट सेम रहता है, यहाँ पे मैंने मार्क कर चुका हूँ ऑलरेडी, सो वहीं पे हर बार मैं फिक्स करता हूँ। शाफ्ट को वैप्स भी कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली डिमांड था। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर एरोस, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे ऐसे दिखते हैं, एंड टोटली 12 एरोस अपने बना लिए हैं, ईस्टर्न एक्सटर्न एरोस, पॉइंट्स भी आपको बता दूंगा। सो पॉइंट्स भी बहुत बढ़िया से चिपक गए हैं, एंड नॉक्स भी अच्छे से चिपक गए हैं, एंड रैप भी मैंने कर लिया है, जैसे कि कस्टमर का डिमांड था रैप्स भी बनाने के लिए, तो रैप्स मैंने बना लिया है, एंड फ्लेचेस मैंने लगा लिया है। कंप्लीट 3 आवर से लेकर 4 आवर का टाइम ले चुका हूँ, एंड दिस वॉज द आवर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।